वेलकम इन मैथ्स क्लास। आज हम मैथ में मैथ की बुक का पेज नंबर 157 करेंगे। 157 पर हमारा एनी ए आर नियर, एफ ए आर फॉर नियर, फॉर नियर में सोता है पास, फॉर में सोता है दूर। टिक टिक द बॉय नियर द सी एंड क्रॉस द बॉय क्रॉस वन फॉर फार फ्रॉम इट। मतलब कि ये कह रहा है कि टिक करो बाय जो लड़का नियर द सी, सी में सोता समुद्र, समुद्र के पास है, एंड क्रॉस क्रॉस द वन वो हो वन फार फ्रॉम इट, और जो उससे क्रॉस समुद्र से दूर है उसको कर दो क्रॉस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, तो सबसे पहले आप देखो पिक्चर में, देखो आप पिक्चर में देखो ये बॉय कहाँ है, सी के पास बैठा है, नियर बैठा है ना, तो इसको हम करें क्या करेंगे, टिक बॉय को कर दो टिक। और ये देखो ये बॉय सी से दूर है, जो दूर है फार दूर है, दूर वाले को क्या करेंगे हम क्रॉस, तो नियर जो पास होता है उसको नियर बोलते हैं इंग्लिश में, और जो दूर होता है उसको बोलते हैं फार, नियर फार। दिस बॉय इज नियर द सी एंड दिस बॉय दैट इज बॉय इज बिफोर द सी। मतलब ये लड़का समुद्र के पास है और ये लड़का समुद्र से दूर है। नेक्स्ट, सर्कल द एनिमल नियर द ट्री एंड टिक द वन फॉर फ्रॉम इट। मतलब कि अब ये कह रहा है कि सर्कल करो, सर्कल द एनिमल नियर द ट्री, जो एनिमल सर्कल के नियर है उसको सर्कल करना है, जो एनिमल ट्री के नियर है पास है उसे सर्कल करना है, एंड टिक टिक द वन फॉर फ्रॉम इट, और जो एनिमल ट्री से दूर है फार यानी कि दूर दूर है उसको टिक करो। अब ये देखो ट्री है, ये ट्री है हमारा, तो ट्री में ये कौन है, डॉग, डॉग ट्री के नियर है, तो हम इसको क्या करेंगे सर्कल, ऐसे सर्कल करते हैं। ठीक है, और जो दूर फार है उसको क्या करना है, टिक करना है, तो कैट ट्री से फोर है उसको कर देंगे हम, तो क्या बोलेंगे हम, डॉग इज नियर द ट्री एंड कैट इज फॉर द ट्री। नेक्स्ट है, सर्कल द बॉय नियरेस्ट टू द गर्ल, सर्कल द बॉय टॉय मतलब उस टॉय पर सर्कल करो जो टॉय गर्ल के पास है। अब देखो गर्ल के पास कौन सा टॉय है, बियर, टेडी बियर है ना, तो टेडी बियर को हमें क्या करना है सर्कल, ऐसे सर्कल कर दो। सर्कल द गर्ल फारदेस्ट फ्रॉम द वुमेन, मतलब कि जो लड़की वुमेन औरत से दूर फारदेस्ट यानी कि दूर खड़ी है उसे हम क्या कर देंगे सर्कल। अभी देखो ये में गर्ल्स वन टू थ्री गर्ल्स दी हुई हैं और ये वुमेन है, अब तीनों गर्ल्स में से कौन सी लड़की वुमेन से दूर है, देखो ये तो गर्ल इसके पास है ये इससे दूर है, पर सबसे ज़्यादा दूर कौन है फारदेस्ट, सबसे ज़्यादा दूर कौन है ये लड़की, इसको हम क्या कर देंगे सर्कल, ऐसे सर्कल। ठीक है, नियर मिस होता है पास और फार मिस होता है दूर, पास जो चीज़ पर नियर के पास होगी उसे हम बोलेंगे, जो चीज़ किस चीज़ के पास होती है उसे नियर बोलते हैं और जो दूर होती है उसे हम फार बोलते हैं। अब है मोर और लेस, मोर मिस ज़्यादा, लेस मिस कम, मोर ज़्यादा लेस कम। क्रॉस द कंटेनर, क्रॉस द कंटेनर बर्तन को क्रॉस करो विच हैज़ मोर लिक्विड, जिसके अंदर लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ ज़्यादा है, तरल पदार्थ ज़्यादा मोर ज़्यादा है। तो देखो ये टू गिलासेस दिए हुए हैं हमें, टू गिलासेस में किस कौन से गिलास में हमारे पास लिक्विड मोर है, फर्स्ट क्लास में, तो इसको हम क्या कर देंगे क्रॉस, क्या करेंगे क्रॉस। अब सेकेंड लाइन में देखो टू कप्स दिए हुए हैं हमें, टू कप्स में किस कप में लिक्विड ज़्यादा है मोर है, सेकेंड वाले में इसको क्रॉस कर दो। अब हमें टू पॉट्स दिए हुए हैं, किस पॉट में वाटर ज़्यादा है, फर्स्ट पॉट में, तो इसको क्रॉस कर दो। हमें बॉटल्स दी हुई है, किस बॉटल में लिक्विड ज़्यादा है, फर्स्ट बॉटल में, तो इसको क्रॉस कर दो। अभी देखो हमें
पोट भी वो फ्लावर पोट्स की तरह है, इसी को दिए हुए हमें सबको। वो फ्लावर पोट में वाटर ज़्यादा है सेकंड में, तो सेकंड को क्लोज कर दो। अभी इधर ये जार दिए हुए हैं, टू जार हैं, किस जार में ज़्यादा है पानी लिक्विड, फर्स्ट लिखने क्लोज जग, बीच कोटर इज मोर लिक्विड, फर्स्ट जग इज मोर लिक्विड एंड क्लोज इट, बीच बकेट इज मोर लिक्विड, फर्स्ट बकेट इज मोर लिक्विड देन क्लोज द फर्स्ट बकेट, बीच पोट इज मोर लिक्विड, फर्स्ट पोट इज मोर लिक्विड देन क्लोज द फर्स्ट पोट, बीच जार इज मोर लिक्विड, सेकेंड जार इज मोर लिक्विड देन क्लोज द मोर सेकेंड जार। ठीक है, मोर मीन्स ज़्यादा और लेस मीन्स कम। क्लोज नेक्स्ट है हमारा, क्लोज द कंटेनर विच हैज लार्जेस्ट क्वांटिटी, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है, एंड टिक विच हैज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन, मतलब क्लोज करो जिसमें क्वांटिटी लार्जेस्ट ज़्यादा है, एंड टिक और टिक करो जिसमें विच हैज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, जिसके अंदर क्वांटिटी लिक्विड की क्वांटिटी स्मॉल यानी कि छोटी है, कम है, इसके अंदर कम है। देखो हमें हमने अभी फाइव ग्लास दिया है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें इन फाइव ग्लासेस में देखना है किस किस गिलास में वो लिक्विड की क्वांटिटी लार्जेस्ट है और किस वाटर गिलास में लिक्विड की क्वांटिटी स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो सी विच गिलास हैज मोर क्वांटिटी, लार्जेस्ट क्वांटिटी, सेकंड गिलास, तो इसको हमने सेकंड गिलास जिसमें मोर लार्जेस्ट क्वांटिटी है उसको क्या करना हमने क्लोज, और विच लार्जेस्ट हैज मोर स्मॉलेस्ट क्वांटिटी थर्ड, तो इसको कर दो टिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम, अभी हमें ये 1, 2, 3, 4, 5 फाइव कप्स दिए हुए हैं, विच कप हैज मोर क्वांटिटी, लार्जेस्ट क्वांटिटी, सेकेंड, देन क्लोज द सेकेंड कप, विच कप हैज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी थर्ड, देन टिक द थर्ड कप। हमें यहाँ पे पोर्ट्स दिए हुए हैं, इस पोर्ट हैज मोर क्वांटिटी सेकेंड, क्लोज इट, विच पोर्ट हैज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी थर्ड, टिक इट। अभी हमें बोटल दिया है, विच बोटल हैज मोर क्वांटिटी सेकेंड, देन क्लोज इट, विच बोटल हैज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी थर्ड, देन क्लोज इट। सारों में विच फ्लावर पॉट हैज मोर क्वांटिटी, लार्जेस्ट क्वांटिटी सेकेंड, देन क्लोज इट, विच फ्लावर पॉट हैज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी फर्स्ट, नो थर्ड, सॉरी थर्ड, टिक द थर्ड, टिक द थर्ड, ओके।